अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द किंजा किचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। आज हम बना रहे हैं आटे के बिस्किट, तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आटे के बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। आप इसको नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा और वो हेल्दी वर्जन भी है, लेकिन मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। 2 कप मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे एंड 1 टेबल स्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ। अगर आपको ये पसंद नहीं, आप स्किप करते हैं। फेनल सीड्स ऐड करने के बाद आप इसमें ऑयल, बटर, घी, जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं घी ऐड कर रही हूँ अराउंड 6 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करें इसको। मिक्स करने का काम आपने जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से इसको मिक्स करना है ताकि आटा और घी एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करने। अब हमने ऐसे हाथ में इसको चेक कर लेना है कि ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। अगर नहीं जुड़ रहा तो आपने और घी ऐड करना है इसमें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और अच्छी तरह गूंध लेंगे इसको। हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना वरना आपके बिस्किट टूट जाएंगे। फिर अच्छी तरह से गूंदना है आपने इसको। अब इस स्टेज पे हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम बना लेंगे ज़बरदस्त से बिस्किट। आप अपनी मर्ज़ी से बिस्किट बना सकते हैं, अपने डिज़ाइन से आप खुद ही क्रिएट करें। जैसे आपका दिल करे आप प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही फन पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है बिस्किट बनाने का। आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन क्रिएट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप स्क्वायर बिस्किट बनाएं, ट्रायंगल बिस्किट बनाएं, राउंड बिस्किट बनाएं, आप किसी भी शेप में अपने बिस्किट्स बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब हम कटर से शेप बना लेंगे बिस्किट की। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं एज अ कटर। कोई भी शेप दे सकते हैं आप अपने बिस्किट्स को। मैं यहाँ पे कटर यूज़ कर रही हूँ, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में। मैं डिफरेंट कटर्स यूज़ कर रही हूँ, या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें। लुक एट दिस, हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ऑयल डाल दिया मैंने पैन में और हीट इसकी है मीडियम लो। अब हम इसमें बिस्किट ऐड करते हैं एक एक करके।
ये देखिए हल्के हल्के बबल आना स्टार्ट हो गए। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना हमारे बिस्किट ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखनी है। ये देखें प्यारा सा कलर आ गया ब्राउन। अब हम इसको पलट लेंगे। अब ये देखें हमारे बिस्किट बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसमें और बिस्किट ऐड करेंगे। अब इनको भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और एयर टाइट बॉक्स में इसको 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगे फ्रेश। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ बिस्किट कि हमारे बिस्किट कितने ज़बरदस्त बने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। किन्जा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।